इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं दीक्षार्थी राजेंद्र भैया के नगर शाहपुर जिला सागर की सकल दिगंबर जैन समाज, आयोजक श्री दिगंबर जैन तपोवन तीर्थ क्षेत्र कमेटी, प्रबंधकारिणी एवं चातुर्मास समिति बहरिया तिगड्डा NH26 सिद्धगुआ सागर मध्य प्रदेश। जय जिनेन्द्र। दर्शकों, मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना और आप सभी का स्वागत करती हूं आदिनाथ टीवी चैनल पर। दर्शकों, मध्य प्रदेश के जिला सागर की पुण्यभूमि सिद्धगुआ स्थित श्री दिगंबर जैन तपोवन तीर्थ बहेरिया तिगड़ा में 25 जुलाई 2024 को तपोवन तीर्थ प्रणेता वैज्ञानिक संत पाठशाला संवर्धक आचार्य श्री 108 निर्भय सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में 38वें पावन वर्षायोग कल स्थापना एवं भव्य जनेश्वरी मुनिश्री दीक्षा समारोह आयोजित किया गया, जिसमें विभिन्न मांगलिक क्रियाओं के साथ भक्तजन शाहपुरा निवासी दीक्षार्थी ब्रह्मचारी राजेंद्र भैया जी की दीक्षा के साक्षी बने। तो दर्शकों, समारोह की विशेष झलकियां देखने से पूर्व पहले आनंद उठाते हैं तपोवन तीर्थ क्षेत्र के इतिहास एवं अतिशयों पर आधारित एक डॉक्यूमेंट्री पर। तपोवन तीर्थ क्षेत्र स्थित है बहेरिया तिगड्डा सिद्धगुआ सागर मध्य प्रदेश में, जहां है विश्व की सबसे बड़ी पद्मासन पद्मप्रभु भगवान की एकमात्र त्रिभुवन मोहिनी आदि व्याधि को हरने वाली विशाल प्रतिमा। बुंदेलखंड में जिन धर्म अनुयायियों के धर्म का हृदय स्थल कहलाए जाने वाले नगर सागर में स्थित तपोवन तीर्थ क्षेत्र सागर रेलवे स्टेशन से मात्र 14 किलोमीटर, बस स्टैंड से 11 किलोमीटर और मकरोनिया चौराहे से 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है तपोवन तीर्थ क्षेत्र। तपोवन तीर्थ क्षेत्र में आकर जबलपुर, भोपाल, नागपुर, ग्वालियर इत्यादि शहरों से एवं कुंडलपुर, नैनागिरी जैसे तीर्थ क्षेत्रों से रास्ते मिलते हैं। इस तीर्थ के संबंध में कई रोचक प्रसंग हैं। उनमें से एक अत्यंत रोचक प्रसंग यह है कि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के सानिध्य में अंकुर कॉलोनी मकरोनिया सागर में पंचकल्याणक गजरथ महोत्सव होना था। इस पंच कल्याणक में पवन जी की तीव्र इच्छा सौधर्व इंद्र बनने की थी। उन्होंने उसकी बोली भी लगाई, किंतु बोली उन्हें ना मिल पाने से वे सौधर्व इंद्र नहीं बन पाए। इसीलिए पवन जी बड़े मायूस होकर घर वापस आ गए। घर आने पर उनके मन में एक मंदिर निर्माण कर पंच कल्याणक प्रतिष्ठा और गजरथ महोत्सव करने का शुभ विचार आया। उन्हें यह भी स्मरण हो आया कि 3 पीढ़ी से मंदिर बनवाकर पंच कल्याणक प्रतिष्ठा हमारे पूर्वजों ने करवाई है, तो क्यों ना मैं भी एक विशाल मंदिर का निर्माण करवाऊं और पंच कल्याणक करवाऊं। इसे तो उन्होंने अपने पिता हुकुमचंद जी, भाई शरद कुमार, भरत कुमार, अजय कुमार, पवन कुमार जी की पत्नी मणि जैन, पुत्र समीर, पुत्री हर्षित एवं अन्य परिजनों के सामने अपने मन की भावना को रखी और सभी ने त्वरित सहर्ष स्वीकृति भी प्रदान कर दी। तदुपरांत आचार्य श्री निर्भय सागर जी महाराज सागर के पाद मूल में जाकर अपने आने का प्रयोजन बताया और आचार्य श्री ने उन्हें आशीर्वाद दिया। पूरे परिवार के हृदय की अमुकलित कलियां चटक चटक कर खिल गई, नसों में उमंग का रुधिर गतिमान होने लगा और फिर प्राकृतिक सौंदर्य से पूरित जमीन से 20 मीटर ऊंचाई पर स्थित इस पहाड़ी पर तीर्थ क्षेत्र और मंदिर निर्माण हेतु भूमि को किसान से खरीदा गया। सर्वप्रथम इस स्थान पर एक धर्मशाला का निर्माण कराया गया, जिसमें सुमंत कुमार, राजेश कुमार पाटनी जी का सहयोग अतुलनीय है। भविष्य में इस तीर्थ क्षेत्र के निर्माण करने और उसको सुचारू रूप से संचालित करने के लिए एक धार्मिक ट्रस्ट बनाया गया। जिस प्रकार की मूर्ति निर्माण का संकल्प और परिकल्पना थी, इसे तो एक बड़ा पाषाण खंड मिलना आसान ना था, लेकिन पुण्योदय से 2.5 वर्षों की लंबी प्रतीक्षा के उपरांत एक विशाल पाषाण खंड मिल ही गया, जिसे पद्म प्रभु भगवान का रूप लेना था। प्रतिमा निर्माण के लिए जब पाषाण बुलाया गया, तब उस पाषाण का वजन लगभग 500 टन था, जिसे 112 पहिए के ट्राले में रखकर लाया गया और फिर प्रारंभ हुआ भगवान पद्म प्रभु की त्रिभुवन मोहिनी प्रतिमा के शिल्प का कार्य। और शिल्पकारों ने उतनी ही तन्मयता से इस प्रतिमा का निर्माण किया। प्रतिमा निर्माण के समय मानो ऐसा लग रहा था जैसे देवलोक के इंद्र प्रस्तर को भगवान बना रहे हों।
प्रतिमा निर्माण के समय भी अनेकों अतिशय घटित हो रहे थे, जिससे यह प्रतीत होने लगा था कि यह प्रतिमा और भूमि शुभ, अतिशय से पूर्ण और पवित्र है। सभी के दिलों में आवाज गुंजित हो रही थी कि अब निश्चित ही यहाँ भविष्य में एक महान अतिशय तीर्थ क्षेत्र बनेगा। तपोवन की जो स्थितियाँ हैं, इसकी भूमि सबसे अच्छी है और भूमि ही 50% चमत्कार तो भूमि ही कर देती है। इसलिए यहाँ तीर्थ बन रहा है, यही सबसे बड़ा चमत्कार है। श्रमण संतों की दृष्टि दूरदर्शिता लिए होती है। ऐसे ही एक संत जिन्होंने छुल्लक और एलक अवस्था में इस पहाड़ी को एक तीर्थ रूप में देख लिया था, वे कोई और नहीं है, वे हैं वैज्ञानिक संत आचार्य श्री निर्भय सागर जी महाराज, जिन्होंने स्वयं तपोवन तीर्थ क्षेत्र में चमत्कार और अतिशय देखे हैं। तपोवन तीर्थ क्षेत्र सागर में प्रतिदिन कोयल, मयूर आदि पक्षियों का कलरव, प्राकृतिक ठंडी बयार, पवित्र वातावरण, सूर्योदय और सूर्यास्त का दृश्य चित्त को एकाग्र करता है, प्रकृति प्रेमियों को अपनी ओर आकर्षित करता है और आत्मा को आनंद विभोर करता है। कहते हैं जहाँ अतिशय और चमत्कार हो, वहाँ जनमानस और आकर्षित होते हैं। चमत्कार भी इस क्षेत्र का आकर्षण है। जैसे जुलाई माह में मूर्ति निर्माण के उपरांत जब प्रतिमा जी को बेदी पर स्थापित किया गया, तो उस दिन सागर शहर में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई। परंतु जब तक प्रतिमा जी बेदी पर स्थापित नहीं हुई, तब तक तपोवन तीर्थ क्षेत्र में पानी नहीं गिरा और प्रतिमा स्थापित होते ही घनघोर वर्षा हुई। प्रतिमा जी को वेदी पर स्थापित करने के लिए दो बड़ी क्रेन आई और जब क्रेन से प्रतिमा को उठाया गया, तो क्रेन के मीटर में प्रतिमा जी के वजन की रिकॉर्डिंग नहीं आई। ऑपरेटर यह देखकर आश्चर्यचकित था। और दूसरा चमत्कार है कि जहां पर्वत के नीचे 200 फीट गहराई खोदने पर भी पानी नहीं निकलता है, वहां तपोवन तीर्थ की पहाड़ी पर मात्र 120 फीट की गहराई पर तेज धार से पानी प्रस्फुटित हुआ, जो बहुत बड़ा चमत्कार है। इस चमत्कार के साथ साथ प्रतिमा का अतिशय यह भी है कि प्रतिमा की छाया नहीं पड़ती, प्रतिमा पर पक्षी नहीं बैठते, इसलिए कहना ही होगा जिन धर्म महान। मध्य प्रदेश के जिला सागर की पुण्य भूमि सिंधुवा स्थित श्री दिगंबर जैन तपोवन तीर्थ बहेरिया तिगड्डा में 25 जुलाई 2024 को तपोवन तीर्थ प्रणेता वैज्ञानिक संत पाठशाला संवर्धक आचार्य श्री 108 निर्भय सागर जी महाराज ससंग के पावन सानिध्य में 38वें पावन वर्षा योग कलश स्थापना एवं भव्य जैनेश्वरी मुनिश्री दीक्षा समारोह आयोजित किया गया, जिसमें शाहपुरा निवासी ब्रह्मचारी राजेंद्र भैया जी को गुरुदेव के कर कमलों से दीक्षा के संस्कार प्रदान किए। समारोह की शुरुआत प्रभु अभिषेक एवं शांति धारा से हुई। नमो अरं जम जीम छीम हम सम जम वम रा पाहा छाम छीम चुम छे छै चो छौ छम छा छीम हरा रीम रोम रे रे रो रो। अभिषेक एवं शांति धारा के बाद भक्तों ने प्रभु के समक्ष अर्घ्य समर्पित किए। प्रभु को नमन वंदन करने के बाद दीक्षार्थी ने गुरुदेव के समक्ष श्रीफल समर्पित कर दीक्षा एवं केश लोच हेतु आज्ञा ली। केश लोच करने की आज्ञा प्रदान करें। हे गुरुवर, आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरु आज्ञा के बाद दीक्षार्थी ब्रह्मचारी राजेंद्र भैया जी की गोद भराई की गयी। गोद भराई के बाद दीक्षार्थी ने समारोह में उपस्थित सभी महानुभावों से क्षमा याचना की। इसी अवसर पर पूज्य गुरुदेव ने अपने प्रवचनों के माध्यम से मुनि परंपरा के बारे में बताया। सागर जी के शिष्य के रूप में अभिनंदन सागर जी और विपुल सागर, दोनों धर्म सागर जी के शिष्य थे।
दोनों की समाधि हुई है। तो एक गुरुदेव ने अपना आचार्य पद देकर के हमें सुशोभित किया है और एक ने मुनि दीक्षा उपाध्याय पद देकर के सुशोभित किया है। गुरुवर के शिष्यों में जब संपूर्ण अर्पण कर ही दिया है तो वचन देने में कैसी कोताही। आप तो गुरुवर जो भी वचन लेंगे मैं वचन देने को तैयार हूँ, आपसे बिल्कुल वचनबद्ध हूँ, मन वचन काय से कृत कारण अनुमोदना से स्वीकार करता हूँ। प्रवचनों के बाद फिर गुरुदेव ने सर्वप्रथम दीक्षार्थी ब्रह्मचारी राजेंद्र भैया जी के केश लोच किए। वैराग्य के इन ऐतिहासिक पलों में समाधिस्थ परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जीवंत प्रतिमा का अनावरण किया। अनावरण के बाद आचार्य श्री जी की इस मनमोहक प्रतिमा पर संस्कार किए गए। समारोह के अग्रिम कार्यक्रमों में चातुर्मास मंगल कलश स्थापना का सौभाग्य लेने वाले पुण्यशाली परिवारों का स्वागत सत्कार किया गया। इस दौरान अतिथियों एवं सहयोगकर्ताओं का भी स्वागत अभिनंदन किया गया। स्वागत अभिनंदन की श्रृंखला के बाद दीक्षार्थी ने अपने वस्त्रों का त्याग किया। दीक्षार्थी द्वारा किए गए वस्त्रों के त्याग के बाद पूज्य गुरुदेव ने अपने कर कमलों से दीक्षा के संस्कार दिए। दीक्षा संस्कारों के बाद सौभाग्यशाली श्रावक श्रेष्ठियों ने आचार्य श्री की प्रतिमा जी और नव मुनिराज को संयम का उपकरण पिच्छी कमंडल भेंट कर अपने जीवन के पुण्यों में वृद्धि की। फिर तपोवन तीर्थ क्षेत्र के पदाधिकारियों एवं भक्तों ने पूज्य गुरुदेव के समक्ष श्रीफल समर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त किया। भक्ति से ओतप्रोत बने वातावरण में श्रद्धालुओं ने मंगल कलश की स्थापना की। कलश स्थापना के उपरांत भक्तों ने गुरुदेव को शास्त्र भेंट कर अपने सौभाग्य में वृद्धि की।
शास्त्र भेंट के बाद भक्तों ने अष्ट द्रव्यों से गुरु पूजन किया। ओम रूम एक प्रथमाचार्य चार शांति सारणी परम प्रयाम आचार्य विद्याशाली आचार्य अभिनंदन सारणी आचार्य प्रपल सारणी दस शिष्य आचार्य निर्वय सागर चरण कमल देव भवता विनाशनाय चंदनम निर्वपामिते स्वाहा। गुरुभक्तिमयी वातावरण में भक्तों को वैज्ञानिक संत पाठशाला संवर्धक आचार्य श्री 108 निर्भय सागर जी महाराज ने तपोवन तीर्थ के बारे में बताया। इनका नाम मुनि श्री वृषभ दत्त सागर जी नाम इनका हो गया। बहुत अच्छे साधक हैं, उनके परिजन के उनके नगर के सब जैन जैनी तक सब आए और ये सब जो आए हुए हैं सबने सहयोग दिया और आप लोग अभी भी यहाँ सैकड़ों की संख्या में यहाँ बैठे हैं। बाहर के लोग भी बहुत सारे हैं, उत्तर प्रदेश राजस्थान गुजरात मध्य प्रदेश और आपके छत्तीसगढ़ आदि आदि के लोग मध्य प्रदेश के अलावा सिटी के जितने भी हैं और यहाँ पर आते रहेंगे आएंगे सब। गुरुवर विद्यासागर जी महाराज का भी आशीर्वाद है इस क्षेत्र के लिए। जब ये बनी थी पूरा नक्शा देखा, उनने जमीन देखी, भाग्योदय में बुलाया, दिखाया कौन सी जमीन क्या है कैसी है, सब कुछ आशीर्वाद लिया गया है। गुरुदेव के प्रवचनों के साथ ही समारोह का समापन हुआ। दर्शकों अभी आप देख रहे थे मध्य प्रदेश के जिला सागर की पुण्य भूमि सिद्धगोवा स्थित श्री दिगंबर जैन तपोवन तीर्थ बहेरिया तिगदा में 25 जुलाई 2024 को तपोवन तीर्थ प्रणेता वैज्ञानिक संत पाठशाला संवर्धक आचार्य श्री 108 निर्भय सागर जी महाराज ससंग के पावन सानिध्य में आयोजित हुए 38वें पावन वर्षा योग कलश स्थापना एवं भव्य जैनेश्वरी मुनिश्री दीक्षा समारोह की विशेष झलकियां। तो दर्शकों आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल बस इतना ही। अभी समय है आपसे विदा लेने का, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही अन्य किसी धार्मिक कार्यक्रम के साथ। दीजिए आज्ञा, देखते रहिए आपका अपना आदिनाथ टीवी चैनल। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे दीक्षार्थी राजेंद्र भैया के नगर शाहपुर जिला सागर की सकल दिगंबर जैन समाज, आयोजक श्री दिगंबर जैन तपोवन तीर्थ क्षेत्र कमेटी, प्रबंधकारिणी एवं चातुर्मास समिति बहरिया तिगड्डा NH 26 सिद्धगोवा सागर मध्य प्रदेश।